Pero las perlas, yo voy a tomar y que yo me jala de padre y que yo la familia. दो मिनट में आप क्या कह सकते हैं? गुलनार साहिबा की जो नज़्म थी मैसेकर पर, सवाल ये एक से याद आया, मेरे घर में कोहराम होता रहा अगर मेरा हमसाया सोता रहा। पीर दादा साहब से मेरी मुलाकात पहली बार मेरे ख्याल से कोई 25 साल पहले डॉक्टर मरकुज़ुद्दीन अहमद के घर, हो सकता है उससे ज़्यादा हो। मैं कहना तो ये चाहता था, कहना तो ये चाहता था कि हमारे, मैं अंग्रेजी बोलूँ माफ कीजिए, व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट आवर सोसाइटी, रिमेंबर आई एम ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द टू ट्रेडिशंस, वन ट्रेडिशन इज सगे असाबिक है रोजे चंद मर्दम शुद, दैट इज द डॉग ऑफ हिसाब कैफ, स्पेंड सम टाइम विद द राइटस पीपल, इवेंचुअली बिकेम ह्यूमन, एंड द अदर ट्रेडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय खरे ईसा गरबा मक्का रबत जो बाज पे आया खर बाज, विच मीन्स दैट इवन इफ द डोंकी ऑफ जीसस गोज टू मक्का, when it comes back, it is still a donkey. Now, unfortunately, most, the large part of our society is actually represented by the second tradition. And it is in that context that the composition of poetry, which is laden with political implications, is a matter of great courage. And that is what I asked Peer Dada Sahib or Gulnar Sahib. Or, because 2 minutes have been completed, I want to say a word about Ali Sahib. I have had the great honor of hosting him, and once he stayed here in my house for about 2 weeks. So in the morning when I go to the university, I'll give him my writings, which he would read. And then I would come back, then we would discuss, and he would criticize. So I end my talk by reciting one couplet of Ali Sahib. Ji, kisko padhi hai, kaun tujhe ko roega? Kisko padhi hai, kaun tujhe ko roega? Aur jaise sab yaad aa jaate hain, tum bhi yaad aa jaoge. जैसे सब याद है। सॉरी क्योंकि मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए या 7 मिनट रह गए, तो मैंने उसमें से 2 मिनट डॉक्टर साहब को दे दिए, और बाद में 3-4 मिनट में आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एडमिंटन में बाज़ौक लोगों की बहुत कमी हो गई है, और आप जैसे बाज़ौक लोगों ने आकर इस महफिल को रौनक बख्शी, इसके माशाल्लाह बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि बाद में सुखन मैंने कहा कि एक सेकुलर एसोसिएशन है, तो शायद आई एम वेरी सॉरी टू से आप किससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती, वरना पहले बस कह दिया और आप लोग समझ जाइए। तो ऐसे ही लोग आए हैं यार, इतने मुझे बहुत खुशी है, वही सारे चेहरे नजर आए हैं जो कि हर वक्त बाद में सुखद में होते थे, हालांकि बहुत जो है इमेज की गई पता नहीं कितने मेंबर्स को जो हजारों मेंबर्स हैं, मगर उन हजारों में से मुझे 2-4 चेहरे भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोई
कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी महफिल रही। आप लोगों ने यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्या जब पीरज़ादा साहब इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मालूम नहीं अब लाइक हमें मौका मिले दोबारा सुनेगा कि ना सुनेगा। हालांकि शाम को मुझे मालूम है कि कुछ काफ़ी रिलीजियस फंड रेजिंग हो रही है, ये हो रही है, लेकिन हमने कहा कि हम तो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर ज़रूर जो है पीरज़ादा साहब को तकलीफ देंगे और उनको बुलाएंगे। साथ ही साथ मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी जो एडवर्टाइज करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर तारिक चौधरी साहब का, वो हमेशा जो है हमें ये हाल दे देते हैं और ये उनकी कहना चाहिए कि करम नवाजी है। हमें तो आज हमारा शाम को हो रहा था, हमने दूसरा हाल बुक किया हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर अपनी जगह ऑफर की और हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन ये एक अच्छी महफिल हो गई मेरे ख्याल से, एक छोटी सी और इतने बाज़ौक लोग हैं, लाइक जो भी आए वो बहुत ही बाज़ौक किस्म के लोग आए, जिन्होंने बहुत ज़ौक शौक से जो है सारे मुशायरे को इंजॉय किया और उसे सुना। और आप देखें वो यंग चेहरा नज़र आ रहा है उस बच्चे का, बल्कि मुझे बहुत लाइक अच्छा भी नहीं लगा, वो बेचारा पढ़ना भी चाहता था, मगर मैंने कहा बेटा भी थोड़ा सा ज़रा पढ़वाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जरूर, मैंने ये कहा कि हम अक्सर बदनसीबत महफिले करते हैं तो बेटा उसमें तशरीफ लाओ, तुम वहाँ से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ो। और मुझे बहुत खुशी हुई इनका चेहरा देखकर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं के लाइक आए, और असल में मैं ऐसे नए चेहरे आगे लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ही एक शेर है कि हमने माना कि चिराग सहरी हैं हम लोग, हमने माना कि चिराग सहरी हैं हम लोग, गर्दिश वक्त तेरा रुख तो बदल जाएंगे। तो यही मेरी कोशिश है, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एडमिंटन में अब एक जगह बना दिए हमारे बाद, कम से कम ये याद रहेगा कि ये किसने बनाई थी और क्या वहाँ हमारी ये नई नस्ल इंशाल्लाह जो है इंजॉय करेगी। मैं तारिक चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए शोरा की के लिए ये जगह फरहम की और